रिसोर्ट में हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। और मुझे क्यों लग रहा है डूबने वाले हैं ऐसे यहाँ। टाइम टू टाइम तो हमारा चलता ही नहीं है, तो गाइस ऐसी है हमारी लाइफ, तो चले आप लोग एंजॉय करो। मीठी मीठी वैसे देखी लगी तेरी रात पे चांद तजाते हैं, पर चली जाए मेरी प्यार तेरे लिए, बहुत हमें रुकी जाए मेरी सांस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर पावरा व्लॉग। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं द्वारका से, तो आई थिंक एक घंटा हुआ हमको वहाँ से निकले हुए। वहाँ पे इतना टाइम पास नहीं करना था क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक भी हो रहा था और आधे रास्ते तो बंद भी कर दिए थे, तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द हम लोग निकल जाए और हाईवे पे चढ़ जाए। तो हम लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया, मतलब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग रुके। तो आई थिंक एक डेढ़ घंटे से हम लोग लगातार इस हाईवे पे चल रहे हैं एंड द्वारका में भाई बहुत ही मतलब मुश्किलें से निकले और मुश्किलें से वहाँ पे रहे। मंदिर बहुत ही सही है वहाँ पे, डेकोरेशन बहुत ही सही किया है। खाना पीना वो सब मत करो, बाकी वो अच्छे नहीं है, बाकी मंदिर और वो सब समंदर किनारे की वाइब वो तो बहुत ही A1 थी, बट लोग ही ऐसे है पता नहीं क्यों हमारा कम्युनिकेट अच्छा नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे हम जाए ना तो उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये तो क्या है। तो यार बहुत ही हैक्टिक डे रहा हमारा। तो सुबह सुबह ऐसा ही था कि यार हम लोग यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल के हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। द्वारका में हम लोग खाना खाने के लिए भी नहीं रुके, सुबह का नाश्ता या तो चाय पीने के लिए भी हम लोग नहीं रुके। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, तो बस ये है गाइस। तो चलिए फिलहाल होटल ढूंढते हैं और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग अभी पहुंचे हैं माधोपुर, यहाँ पे कल हम सुबह आए थे क्योंकि गाइस बहुत ही मजा आता है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते जाए। One hour later. So guys, फिलहाल हम लोगों ने फोटोशूट डन कर लिया है। तो गाइस आज पब्लिक ज्यादा है, कल तो बहुत है। हाँ आज भीड़ बहुत है, पब्लिक बहुत है आज। चलो गाइस फिलहाल तो हमारा टाइम आ चुका है जाने का गिर में, शासन गिर में करना है। 12:30 बजे, 12:30 तो यहाँ ही हो गए, तो हाँ पौने बारह तो यहाँ पे ही हो गए। तो फिलहाल हमारा आई थिंक 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब देखते हैं। सो गाइस अभी सीएनजी डलवा रहे थे हम लोग, तो अभी गुड्डी ने गाड़ी चलाई है, मैंने बोला कि थोड़ी आगे ले ले गाड़ी, तो अभी ले ली गाड़ी आगे, देखो तो। So guys, finally हम लोग जूनागढ़ पहुंच चुके हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी गाइस एक प्रॉब्लम हो गया है कि अभी बजे 1:30, तो अभी 2 बजने को आया है एंड अभी तक हम लोग हमारे रिसोर्ट पे नहीं पहुंचे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज रिसोर्ट में जाने वाले हैं, गिर में जो एक रिसोर्ट हमने बुक करवाया है तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग आज वहाँ पे रुकने वाले हैं और कल सुबह तक वहाँ पे ही रहने वाले। तो फिलहाल ये था कि दोपहर का लंच वहाँ पे इंक्लूड नहीं था, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे फ्रेंकी वगैरह या वड़ा पाव वगैरह खाने के लिए आए हैं। फिलहाल हम लोग पैक करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको जल्दी से जल्दी जाना है क्योंकि हमारा टाइम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो, जाते ही पुल में पड़ना है क्योंकि सुबह से हम लोग नहा ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा था कि 12 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम लोग नहाएंगे, बट द्वारका से जूनागढ़ आते आते 1:30 बज गया। तो गाइस ये है, तो चलिए गाइस फिलहाल हमारा वड़ा पाव आ गए। तो गाइस अभी ये जा रहा है गुड़ी का भाई एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट पे, अलग हो रहे हैं। तो गाइस मैं अभी खा रहा हूँ, थैंक यू। अभी हम लोग निकलते हैं और ये अभी नहीं आ रहा, तो चलिए मिलते हैं, चलो कल। ओके तो चलिए फिलहाल हमारा जाने का टाइम आ गया है शासनगिर में, तो वहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ पे हमने ये सब यहाँ पे खाने का प्लान बना दिया क्योंकि अभी यहाँ पे रुकते तो बहुत ही टाइम जाता और हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते टाइम पे। ओके गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट पे और रिसोर्ट पे जाते हम लोग को पढ़ना है स्विमिंग पूल में। सो गाइस अभी हमारा यहाँ पे खाना मुमकिन नहीं था क्योंकि हम लोग होटल में जाते तो बहुत ही टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने पैक करवा लिया और हम लोग गाड़ी में ही खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम बचे। कब खाए और कब सोए, टाइम टू टाइम तो हमारा चलता ही नहीं है। तो गाइस ऐसी है हमारी लाइफ, चले आप लोग एंजॉय करो। सो गाइस वी होप कि आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए गाइस आप लोग सिनेमैटिक चेक करिए और मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पे।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिसोर्ट पे। एंड गाइस ये है हमारा रिसोर्ट, डक्स रिसोर्ट है, तो मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। बट फिलहाल अभी पहुंचे हैं, अभी हम लोग चेकिंग करेंगे, देखते हैं यहाँ पे तो वेडिंग वगैरह का कुछ चल रहा है, देखते हैं कि रूम वगैरह कैसा है हमारा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रूम पे। एंड गाइस बहुत थक गए हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आराम करें वो सब करें, तो फिलहाल हम लोग को नहाना है, तो जाते हैं फिलहाल स्विमिंग पूल में। गाइस फिलहाल फुल एंजॉय करने वाले हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल यहाँ का बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग देखेंगे क्या है कैसा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सूट भी करेंगे, तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है। गाइस ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, तो ये तीन तीन स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा वाटरफॉल जैसा बना हुआ है। यहाँ पे पहले हम लोग नहाने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या क्या मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे एक झूला भी है, तो यहाँ पे हमने हमारा कैमरा भी रखा है। ठंडा ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ही ठंडा, पूरी ठंडू बहुत है, बहुत ठंडा है भाई, मतलब ठंड लग जाती है पूरी। ये सब देखो इनका, देखो कुछ अलग ही ऐसे ऐसे कोई नहीं तैरता होगा, पैर पे पैर लगा के, पहले तैर रहे थे ऐसे तैर ऐसे। हाँ को तैरना वैरना आता नहीं, वो तैर कैसे रहे, देख रहे हो आप सही से तैरो, ऑरेंज वाला लेके आओ, ये देखो इनका ऐसा है। मुझे क्यों लग रहा है ये डूबने वाले हैं ऐसे यहाँ। हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हो गया। देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल के मतलब पैसे वसूल है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि तीन तीन है, उस और भी है, और ये देखो ऐसा सब कुछ है। A little longer than a few minutes later. So guys, finally हम लोगों ने स्विमिंग कर लिया है, एंड फिलहाल फोटोशूट भी हमारा डन हो चुका है। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, तो बहुत ही मजा है यहाँ पे नहाने में। गुडी तो नहीं नहाई है क्योंकि ठंडी इतनी थी ना, जब मैं अंदर पड़ा ना भाई पूरा काम गया था, और मुझे भी करना था सूट, तो मैं नहीं नहीं कर रहा होता ना तो भी आप पानी दिख के रह नहीं पाते, मैं नहीं ऐसे दिख जाती, तो ऐसा है, बट मैं तो रह नहीं पाता, पानी दिखता है ना तो मैं अंदर कूद ही पड़ता हूँ, बट जैसे कूदा फिर मुझे समझ में आ गया भाई बहुत ही ठंडा पानी है। तो गाइस ये सब था, बहुत ही मजा आया, फोटो शूट करना था, वीडियो शूट करना था, वो सब कर दिया। तो ये है यहाँ का नजारा, ये देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग सुबह में फोटो शूट करेंगे, जल्दी जल्दी उठेंगे और फोटो शूट वगैरह करेंगे। चलिए गाइस अभी अंदर जाते हैं और अच्छे से नहाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। One hour later. So guys, फिलहाल हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं इस रिसोर्ट को एक्सप्लोर करने। तो फिलहाल हम लोगों को दिखा ए गेमिंग जोन, तो फिलहाल हम लोग गेम जोन में गेम खेलेंगे। फिलहाल गेम खेल लेनी है हमको, एक गेम खेल लेनी है भाई, मैं बहुत ही दिमाग सही है, सभी जगह ऐसा है, तो चले निकलते हैं यहाँ से भाई। सो गाइस फिलहाल वहाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, बट अभी फिलहाल यहाँ पे
जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक है, कैसे कैसे अंदर फैसिलिटीज है। फोन भूल गई थी क्या? नहीं नहीं, वो छोटी बच्ची है ना, वो हमें बैडमिंटन नहीं दे रही थी ना, तो उसकी मम्मा ऐसा बोल रही थी कि आप ले जाओ, पर वो बहुत रोने लगी, तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं आप। समझ गया भाई। देखो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए आएंगे ऐसा कुछ मुझे। ये देखो यहाँ पे कुछ फार्मिंग वगैरह की हुई है, और वो देखो गोभी लग रही है। गोभी है? हाँ गोभी, और वो ग्रीन अनियन। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे गाइस हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे नेचर को बहुत ही ध्यान में रख के ये सब बनाया गया है, तो पूरा नेम भी मतलब फ्लावर्स के रिलेटेड ही है सब रूम, तो बहुत ही ग्रीनरी है। तो कल सुबह हमको मजा आएगा फोटोशूट करने में। एक नहीं दो नहीं बट तीन तीन स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तो स्विमिंग पूल सही लगा हमें। तो हम लोग फिलहाल गाइस पूरा रिसोर्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता होगा, बॉनफायर वगैरह भी लगता है सब कुछ। गाइस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, बट फिलहाल शाम हो चुकी है, तो फिलहाल खाने के लिए वह कुछ सूझ ही नहीं रहा। मुझे तो गांव की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है। शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो मेरा पागलपन ही होगा। दक्षिणी गुजरात के एक गांव में बड़ा सा शेर आया तो गांव वाले भी बिना कोई हथियार लिए उसे देखने पहुंच गए। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया, वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। सो गाइस फिलहाल हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या खाना में है, क्या क्या है खाने में। भाई खाने में तो बहुत है ना। हाँ तो गाइस सब देखते हैं कि क्या क्या खाते हैं हम लोग, यम्मी लग रहा है। सो गाइस फिलहाल हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाने में बताऊँ तो इस रिसोर्ट का मुझे थोड़ा मीडियम मीडियम लगा। क्या हुआ? वैसे मीडियम लगा। हेलो खाना खाते जाना। अरे मैडम देखो ये क्या लेके आए। तो भाई बहुत ही अच्छा खुले में सही है। तो गाइस ये है, तो फिलहाल हम लोग खाना खा रहे हैं और ये चेक करिए पराठा भी है, मुझे तो पता ही नहीं है वहाँ पे क्या क्या मिला है। तो सही है, वैरायटी कितनी होगी? 10-15 गाइस गिन के चलो तो 10-15 वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ऑल ओवर तो मैं आपको कल बताऊंगा कि इस रोड हमें कैसा लगा और क्या क्या अच्छी अच्छी सर्विसेज है, क्या इसमें दिक्कतें हैं वो भी मैं कल आपको बताऊँगा। वो क्या कर रही है तू? गुलाब जामुन निकलो लो इसका। तो ये है गाइस, तो चलिए फिलहाल हम लोग खा लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग खाना खा के आ चुके हैं एंड बहुत ही मजा आ गया खाने में। खाने में क्या था गुड़ी की? एक गुलाब जामुन और पनीर की सब्जी एक एंड छाछ, ये दो तीन ही आइटम जो थी वो सही थी। और तुझे कोई एक्स्ट्रा अच्छा लगा? मैंने यही सब्जी ली थी। तो गाइस अच्छा था खाना, अच्छा था, बट ऐसा है कि हमारी प्राइस के हिसाब से तो थोड़ा ओके था, ऐसा आप लोग समझ लो कि इतना अच्छा भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं, ओके मीडियम था। और यहाँ पे बटर मिल्क मतलब ऐसा हर बार और जगह होता ही है, घर पे भी इनका ये बाहर सब जगह खाने में खाने में थोड़े ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए यार। बहुत ही नखरे हैं इनके तो नखरे नहीं है गाइस, मैं जो भी फैक्ट होता है ना वही मैं बोलता हूँ। तो कई बार ये गुड्डी नहीं अच्छा बनाती उसको भी पता होता है कि मैंने आज अच्छा नहीं बनाया, तो वैसे मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ मैं गुड्डी इसमें ये कम है इसमें ये ज्यादा है, तो ये इतना मतलब मेरे ऊपर आ जाती है ना कि आपको कैसे पता ये ऐसा ही होता है, आप ऐसे ऐसा खा लो चुपचाप खा लो ये सब, मतलब ऐसा कि ये मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और आप चुपचाप खा लो ऐसा कुछ। उनको रसोई का रोग ही नहीं आ जाओ तो फिर
मुझे चखने में जैसे मैं चखता हूँ वैसा पता चल जाता है कि इसमें नमक कम डाला है या मिर्च ज़्यादा डाल दी है, सब कुछ तो इसको पता रहता है, फिर भी वो मानते नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अभी ये इसलिए बोल रही है। तो गाइस फिलहाल ये है, हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह बहुत ही अच्छी है, जंगलों के बीच में ये रिसोर्ट है और रिसोर्ट में हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है और कल की सुबह भी और मज़ेदार होने वाली है। हाँ वो भी है, मस्ती भी बहुत की है। ये ट्रिप हमारी पहली बार है तो हम लोगों ने काफ़ी सारी मुश्किलें झेली है, मुश्किलों का सामना किया है, तो इससे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये था, हाँ बहुत कुछ सीखा हमने। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते, तो गाइज इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलिए बाय बाय।